please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और संदीप बोल इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान से बड़ा बदला लिया है। भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए अपने 4 जवानों का बदला लेते हुए पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों को मार गिराया है। महज 48 घंटों के भीतर भारतीय सेना ने जवानों की शहादत का बदला लिया। खुद पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी जवान घायल भी हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को घात लगाकर भारतीय सेना की गश्त कर रही टुकड़ी पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। हमने काफी जबरदस्त फायरिंग की हुई है उनके पोस्ट के ऊपर। तकरीबन 3-4 पोस्ट हमने पुंछ और रजौरी एरिया में हमने बर्बाद कर दिए हैं। दूसरा एक्शन हुआ है जो हमने अंदर घुसकर उनमें एक रेड किया हुआ है, जिस रेड में उनके 3 सैनिक मारे हैं हमने। ये एक्शन बहुत आवश्यक था क्योंकि पाकिस्तान शरारत कर रहा है एक के बाद एक, और हम कुछ करते नहीं हैं, इसका दुख होता है। इसलिए अब पूरा देश को अच्छा लग रहा है कि हमने एक अच्छा जवाब दिया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने और करार जवाब देना चाहिए, इस पर हमें बैठना चाहिए। इस प्रकार एक्शन जो है ये चालू रखिए ताकि ये पाकिस्तान बार बार हरकत ऐसी ना करे। ये उसी कार्रवाई में एक कड़ी है जहां हमारे 4 जवान, एक अफसर मारा गया था, हमने बदला लिया, सीज फायर के उस तरफ गए, और ये एक मामले में एक छोटे लेवल का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और हमने 4 जवानों को, पाकिस्तान के सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया। तो साफ है कि बदला हम एकदम ले रहे हैं। पहले की तरह कि हम टाइम देख के लें, वो नहीं हो रहा है, ये इमीडिएटली कर दिया। तो यहाँ पाकिस्तान बीमारी है और उसको 4 टुकड़ा करने के बिना हमें राहत नहीं मिलने वाली है। हम लोगों ने 1947 में गलती की थी कि या हम पॉपुलेशन एक्सचेंज कर देते, जैसे अब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था और राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या हम पार्टीशन नहीं मानते। बट अब आतंकवादियों को आपने एक देश दे दिया और वो तो उनका दिमाग तो कभी सोच विचार से तो चलता नहीं है, वो सिर्फ़ अपना इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए वो करते हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ सेक्टर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट भेजा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ हमला किया है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाकिस्तान की सेना का भारी नुकसान हुआ है। ये नए साल के ऊपर पाकिस्तान के कायर और गद्दारों को भारतीय सेना का एक रिटर्न गिफ्ट हमने भेजा है। जब जब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करेगा, पाकिस्तान के जबड़े चीर के रख देंगे हम। मौजूदा भारत की जो सरकार है मोदी जी की, इसकी नीति जो है पाकिस्तान को लेकर बड़ी प्रतिपाद है, अस्पष्टता नहीं है, दिशा नहीं है। कभी मोदी जी जाते हैं बिना बुलाए, नवाज शरीफ के माँ के पैरों पे चूम लेते हैं, या फिर कभी बड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं, पठानकोट हो जाता है। अगर उनकी नीति में अस्पष्टता हो तो हमारी भारत की सेनाएं सक्षम है अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान से बड़ा बदला लिया है। रविवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जो जवान थे उनका बदला लिया गया है और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने उनके 3 जवानों को ढेर कर दिया। ये 48 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने जवानों की शहादत का बदला ले लिया है और खुद पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी जवान घायल भी हुआ और पाकिस्तानी सेना ने रविवार को भारत के में गश्त लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, भारत ने बदला ले लिया है लेकिन पाकिस्तान देखा गया है कि कभी बाज नहीं आता है, क्या फिर से कोई जवाबी कार्रवाई की उम्मीद? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है इस पूरे साल भर में, अगर हम लोग देखें तो जितनी भी आतंकी गतिविधियां वो कराने की कोशिश करता रहा है तो उसमें जो विफल रहा है, 200 से ज्यादा
आतंकियों को जो है हमारी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ऐसे में और अब बर्फबारी के चलते जो है इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए बौखलाहट है और वो लगातार जो है भारतीय सेना को टारगेट कर रहा है। और यही इसका नतीजा देखा गया हम लोगों ने कि हमारे चार लोग जो हैं, जिसमें तीन जवान एक अफसर शहीद हुए, और इसी तरीके का कुछ जो है कल शाम को भी करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जो कि उसके सेना के जो जवान है वो एलसी के नज़दीक इतने आ गए, और उसके बाद जो है जब ये मूवमेंट देखी गई उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद जो है इनको जितने भी जो सेना के जवान थे पाकिस्तानी सेना के उनको मार गिराया गया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। वहाँ उस मतलब उस बॉर्डर पर अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनी है उस पर इस तरीके की जो है ऑपरेशन चलते रहते हैं, और सीधे तौर पर जो है पाकिस्तान कोशिश करता है कि आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए इस तरीके के ऑपरेशन का अंजाम देता रहा है। बैड एक्शन हम लोगों ने देखे हैं, तो ये नॉर्मल सा है और ये आने वाले दिनों में और ज्यादा हो सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। जी, शुक्रिया संदीप। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया गया है। मारा गया आतंकी नूर मोहम्मद AWPS के टुकड़ी का आतंकी था। वो हाईवे पर सेना के काफिले पर हमले की फिराक में था। पुलवामा में अब भी मुठभेड़ चल रही है, वहां अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो आतंकी फिदायीन हमले की फिराक में थे और एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। 3 फुट का आतंकी ढेर किया गया है। ये बड़ी कामयाबी भारत के लिए और ये आतंकवादी मार गिराया गया है। मारा गया आतंकी नूर मोहम्मद महज 3 फुट का था। आतंकी नूर मोहम्मद AWPS के टुकड़ी का आतंकी था जो कि मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया। 48 साल का आतंकी नूर जैश का कमांडर था, पुलवामा के त्राल का रहने वाला था। ये भी जानकारी मिली है, आतंकी नूर साउथ कश्मीर में जैश की कमांड देखता था। नूर हाईवे पर सेना के काफिले पर हमले की फिराक में था। 2003 में दिल्ली में आतंकी नूर को गिरफ्तार किया गया था। उसे पोटा के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2011 में पेरोल पर बाहर आने के बाद वो फिर से आतंकी बन गया और लगातार जो है हमले की फिराक में था, लेकिन एक बड़ा हमला नाकाम किया गया है। One AK-56 magazines, ammunition, and grenades were recovered from his possession. One more militant was with him, but he managed to escape. One police jawan and one army jawan had some splinter injuries, but they are stable. रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। रिफत, एक बड़ी कामयाबी भारत के लिहाज से देखा जाए, कितना अहम है इस कमांडर का मारा जाना? देखिए, जिस तरीके से जो पुलिस का कहना है कि ये काफी ESF के एक कैंप पे उसका मास्टरमाइंड यही नूर मोहम्मद तांत्रे था, जिसका नाम अब जो है कोड नाम जो है नूर त्राली बोल रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि डिविजनल कमांडर जो है जैश का मारा गया, और पुलिस का ये भी कहना है कि वो कोशिश कर रहा था नूर मोहम्मद की वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काडर जो है वो तैयार किया जाए जैश मोहम्मद का, और वो क्योंकि डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर के थे, और जो भी कुछ ऑपरेशन या ये क्या कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि वो प्लानिंग कर रहे थे फिदायीन अटैक के लिए, और कुछ और मिलिटेंट भी उसके साथ में थे, और पुलिस को जब पता चला तो उन्होंने इस एरिया को कॉर्डन किया, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और उसमें ये मिलिटेंट मारा गया है। ऐसे में जो बाकी 2 मिलिटेंट थे या तो वो भाग निकलने में कामयाब हो गए या कहीं इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनकाउंटर खत्म हो गया और उसके साथ ही ऑपरेशन भी ओवर हो गया। बॉडी जो है वो रिकवर की गई है नूर मोहम्मद। रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।